हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस, आज सैटरडे है और आज हमने ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, 2 बजे से स्टार्ट किया है। तो अभी कार्तिक सोया हुआ था और उसने अपने यहाँ पे नोच लिया है, मतलब बहुत तेज़ नोचा है अपने नाखून से, और मतलब सुबह तक खून निकल रहा था उसमें से। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब उसमें पाउडर लगा दिया, मैं क्या करूँ, फिर जल्दीबाजी मैंने पाउडर लगा दिया, रो रहा था इतना तेज, तो थोड़ा खून उसका रुक गया उस टाइम से। और अभी सुसु कर दिया है सो के उठ के ही। अब इसकी आदत है, मतलब सो के उठता है तो सुसु नहीं करता है, जब तक मैं मतलब इसको मैं बोलूंगी ना सुसु कर दिया सुसु कर दिया, फिर कर देगा सुसु, ऐसी आदत हो चुकी है। तो मैं अभी दिखाती हूँ कार्तिक को, पैंट पहना दूँ। नोचा है कार्तिक ने, तो गाइस आप देख सकते हो इधर नोच लिया कार्तिक ने। नहीं, खाने के लिए नहीं दे रहे, खाने के लिए नहीं दे रहे, बाबू है ना, अच्छा बाबू है ना। चलो मैं कार्तिक को पैंट पहना देती हूँ पहले। और गाइज, कार्तिक अभी 3 महीने का है और हमने कल इसको हॉस्पिटल लेके गए थे तो इसका वेट चेक किया, 5 किलो कुछ का था ये। तो गाइज आप लोग बताना ये वेट बच्चों के लिए सही है 3 महीने का, मतलब कार्तिक 3 महीने का हो चुका है, इसका वेट अभी 5 किलो है। तो आप लोग बताना ये वेट इसका सही है या मतलब अभी कम है वेट, है ना, है ना, बोलो हाँ हाँ बोलो। खाली हाथ खाता रहता है, खाली हाथ। गाइस कार्तिक को हो गया था सर्दी जुखाम और अभी कार्तिक को जा रहे हैं दवाई पिलाने। नहीं रोते, कार्तिक ने पैंट पहन लिया है, अब कार्तिक का दवाई लेके आते हैं। एक तो ये वाला पिलाना है दवाई सर्दी खांसी का है, एक ये वाला पिलाना है, 2 टाइम वाला अभी पिलाना है, ये दोनों 3 टाइम वाला है, 2 टाइम वाला मैं अब रात को पिलाऊंगी, एक बार पिला दिया है, दवाई पीने का टाइम हो गया है। चलो तो अभी कार्तिक को हमने दवाई पिला दिया है और कार्तिक एकदम आराम से लेटा हुआ है। हाथ उठाओ कार्तिक, हाथ दब जाएगा, हाथ उठाओ। तो अभी कार्तिक आराम से लेटा हुआ मेरे साथ और अभी कार्तिक के पापा गए हैं सूरज के घर, तो मिस्टू अभी थोड़ा सा मतलब बाहर गए, काफी टाइम बाद बाहर निकले, उनकी तबीयत खराब थी तो निकल रहे थे और अभी खाना वाना खा के जस्ट हो गए बाहर, है ना। और जब इसे नोचा ना इतना तेज रोने लगा, इतना तेज पूछो मत। अभी कार्तिक को भाप दिलाने पे लेके जाना है, वो जो बच्चों से नाक वक बंद हो जाता है या जैसे सर्दी जुकाम होता है भाप देते ना हम लोग, जैसे हम लोग तो भाप लेते हैं, इनको दिलाना पड़ता है भाप, वही हो गया है। तो अब इसको मैं दोपहर को लेके जाने वाली थी, बट सॉरी सुबह लेके जाने वाली थी 10 बजे, बट ये कार्तिक सो गया था उस टाइम, तो अब शाम को ही लेके जाऊंगी भाप देना, है ना। बाबू है ना, बाबू है ना, हाय बोल रहे हाय। और गाइस आप लोग बताना क्योंकि कार्तिक अभी 5 किलो का हुआ है और अभी ये इसका अभी 3रा मंथ चल रहा है, ये मतलब 3.5 महीना चल रहा है और 5 किलो का है, 5 किलो कुछ का था ये तो मेरे को उतना याद नहीं है। तो आप लोग बताना ये वेट बच्चों के लिए सही है या मतलब अभी भी कम है। वैसे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा कम ही है क्योंकि कार्तिक उतना हेल्दी नहीं है अभी, बट बहुत अच्छा है कार्तिक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं रोते, बोलो बाय बाय, अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, दोपहर हो चुका है, बाय बाय कर दो, नहीं करना, देखो 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 क्या हुआ, बाबू है क्या, कार्तिक है, इसका रोना देखो, ऊ करके रो रहा है, ऊ करके क्या हुआ, कार्तिक के पापा छोड़ के चले गए कार्तिक को। जो अभी मैं कार्तिक को थोड़ा दूध पिला देती हूँ और अभी इसको सुलाना है क्योंकि अभी ये अपने कच्चे नींद से उठ गया है तो बहुत डिस्टर्ब करेगा और मेरे को अभी बहुत सारा काम है गाइस, तो अभी करने, वैसे मैं भी सोचू थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि सुबह से मैंने बहुत काम कर लिया है। क्या हुआ, क्या हुआ, देखो धक्का मार रहा है हाथ से, क्या हुआ, खींच रहा है कार्तिक को, क्या हुआ है। और गाइस आप लोगों को हमारा रील्स का वीडियो देखना है मेरा और कार्तिक का, तो आप लोग जाके हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, हम दोनों का अकाउंट यहीं पर लिखा हुआ है ना।
और गाइस मेरे बहुत जल्दी 2 लाख होने वाले हैं इंस्टा पे, और यूट्यूब पे 1 लाख होने वाला है, तो आप लोग प्लीज बहुत सारा प्यार दिखाइए, और जो भी आप लोग है वैसे रोता रहता, खाली बोलने नहीं देता तो मैं सुबह शाम करा देती हूँ। The next day. तो अभी कार्तिक उठ चुका है सुबह, और गाइस कल हम लोग पता नहीं क्या हो गया, दोपहर को हम लोग खुद खा पी के हम लोग बात किए, फिर सो गए मैं और कार्तिक। उसके बाद हमने कैमरा उठाया अभी नहीं एक बार भी, है ना फोन। और तो अभी कार्तिक कल शाम को थोड़ा रो भी रहा था, उसको थोड़ा जुकाम था इसलिए। कार्तिक बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो। अभी कार्तिक नंगू पंगू ऐसे मैं दिखा नहीं सकता कार्तिक को ज्यादा, है ना। पापा को उठाओ 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 उठाओ, नहीं उठ रहे, नहीं उठ रहे। आज कार्तिक का नाखून काटेंगे, देखो कल गए कार्तिक ने यहाँ पे नोच लिया था ना आपने, आज कार्तिक का नाखून काटेंगे हाथ के पैर के। नहीं कैसा मुंह बनाता है। मैं उठ चुकी हूँ सो के, और देख सकता हूँ लात खा रखा है मेरे ऊपर रख के सो रहा है लात। अरे गिरेगा, तो अभी दिखा रही हूँ ये देखो कार्तिक है। कार्तिक है ये बाबू है। तो अभी बहुत लोग बोल रहे थे कि आप कार्तिक को बाबू या बेटा करके क्यों बुलाते हो, नाम लेके क्यों बुलाते हो। अब इसमें भी मतलब अब क्या, अब बोल बोल के आदत हो गई कार्तिक कार्तिक कार्तिक, इसलिए हम कार्तिक बुलाते हैं। खुद को देख रहे तो गाइज आज हमारे घर में बना है दाल चावल, और ये नारियल क्या है, कैसा है, तुमने खाया है, उसको फेंकना है। अच्छा मतलब ये खाली है ना ये। हाँ। तो दाल चावल के साथ साथ ऑमलेट, और गाइस आपने देखा था जो हमने मीशो से ये नॉनस्टिक पैन लिया था इधर। हाँ। मतलब बनाना में बहुत मजा आता है, मीशो में बना लेंगे, इसी में ही बन रहा है, नहीं छिपा के भी नहीं रहा बिल्कुल, है ना। इसको आप ऐसे हिला भी सकते हो, देखो गाइस ठंड लग रही। सुना आय मिस्टिया, इसको पलटो कैसे, पलट दो कैसे, तो पलट लो ना, अरे ऐसे फेंक के मारो आसमान में, ओ बाप रे गिर जाएगा नीचे रे। मिस्टी ओ जल गया, हाँ जल गया। सुनो तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो आने वाला है, बहुत ज्यादा मस्त व्लॉग आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत मस्त व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। हाँ। और हम लोग काफी दिन से घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो फाइनली थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे बाहर। हाँ। तो खाना भी खाने का टाइम हो चुका है यार, खाना खिला दो, 12 से ज्यादा हो गया, 12:30 हो रहा है। अब क्या कर रहे हो, अभी और बनाना है। अच्छा अब अपने लिए बनाओगे, नहीं तुम्हारा, वो तो मेरा ही था। चलो ठीक है फिर, बोलो कुछ बोलना क्या। हाँ, कौन सा अलग स्टाइल का बना रही है, पता नहीं अपने स्टाइल में बना रही है, तो हाँ, अभी तुम कुछ बोलने वाले थे बंगाली स्टाइल में। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.